नालंदा के सैनिक स्कूल में अब छात्राओं के नामांकन की स्वीकृति मिल गई है। अब सूबे की लड़कियां भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकेंगी। अगले साल अप्रैल के महीने से छठी क्लास की गर्ल्स कैडेट को भी शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मसौढ़ी के धनरुआ में अनियंत्रित होकर एक ट्रक अचानक पलट गया। घटना पटना गया डोबी SH मार्ग पर हुआ। चनाकी और सांडा के बीच हुए इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों जहानाबाद के रहने वाले हैं। सहरसा में कृषि बिल के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ता 3 दिनों से बेमियादी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मुख्य मांगे हैं हम लोगों का जो किसान आंदोलन जो लगातार सरकार के काले कानून के खिलाफ आज 21-22 दिन से लगातार किसान सड़कों पर है, उस किसान के बारे में जो पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के हमारे लीडर आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उनके आह्वान पर पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में ये अनिश्चितकालीन धरना उस किसान के लिए जो अपने जीवन को समर्पण कर दिए है पंजाब हरियाणा और अन्य जगह के किसान पूरे भारत में। मसौढ़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। भगवानगंज थाना पुलिस ने तस्करों के पास से 45 लीटर देसी शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बाइक से दोनों शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर भाई बहन के बीच गोलीबारी हुई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के छपरा टोला की है। वही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि भाई बहन के बीच 8 कट्ठे जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बहन है, दोनों के जमीनी विवाद है आपसी में, इसी में दोनों का झगड़ा हुआ है, जिसके कारण सर गोली चलने की बात सामने आ रही है। सर खोखा बरामद हुआ है, चलने की बात प्रकाश में आई है, इसकी जांच की जा रही है। रोहतास के नासरीगंज में दिव्यांगों के बीच मुफ्त में ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ADP योजना के तहत पवरी पंचायत के मुखिया चंदन कुमार सिंह ने ट्राईसाइकिल का वितरण किया। पूरे पंचायत में 20 से 25 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और स्टिक बांटा गया है। मसौढ़ी पुलिस ने कई इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। SP शुभम आर्य के निर्देश के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए। साथ ही इस दौरान मास्क लगाने को लेकर भी सख्ती दिखाई गई। मुंगेर में जमीन विवाद में धान की फसल नीलाम होने का मामला सामने आया है। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दीदारगंज इलाके का है। 51 डिसमिल जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं साल 2014 से उस जमीन पर 144 धारा लागू है, जिसको लेकर धान की फसल की तैयारियों में दोनों पक्षों के धान के फसल पर दावेदारी ठोकने के बाद धान की फसल नीलामी कर प्राप्त राशि को दोनों पक्षों के बीच बांटे जाने का फैसला किया गया। एक्चुअली ये आपसी विवाद ही था, जिसमें कि धान की फसल को लेकर के दो पक्षकार थे, या बल्लभ चौधरी और पंकज शर्मा। उन दोनों के बीच दीदारगंज मौजा में ये लोगों के आपसी धान संबंधी ही विवाद हो रहा था, और जिसमें हम लोगों ने मतलब मेरे और थाना प्रभारी संग्रामपुर की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश हम लोगों को दिया गया था कि इन लोगों के जो धान संबंधी विवाद हैं उसमें धान की नीलामी फिर कराई जाएगी। तो हम लोगों के द्वारा यहीं पर आकर ग्रामीणों के बीच आपसी सहमति के आधार पर ही 1900 रुपया हम लोगों ने प्रति क्विंटल धान का रेट रखा था। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में झाझा प्रखंड कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान BDO दीपेश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी, साथ ही वोटर लिस्ट से जुड़े काम को पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुंगेर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की हवेली खड़गपुर शाखा की ओर से वस्त्रदान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। PNB रमणकाबाद के शाखा प्रबंधक मोहनानंद सिंह और गायत्री परिवार के वरिष्ठ विद्याचरण सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर वस्त्रदान रथ को रवाना किया। इसके तहत गायत्री परिवार के सभी सदस्य घर घर जाकर नए कंबल और पुराने कपड़े दान देने के लिए आम लोगों को प्रेरित करते हैं। जमुई के झाझा चंदवारी मैदान में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां लीग मैच पुरानी बाजार और बोस बगान के बीच खेला गया, जिसमें पुरानी बाजार की टीम ने शानदार जीत हासिल की है। वही मैदान में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुरानी बाजार की टीम के खिलाड़ियों को खेल संयोजक गौरव सिंह राठौर ने पुरस्कृत भी किया। कश्मीर और हिमाचल से आने वाली पछुआ हवा ने झारखंड और बिहार में ठिठुरन बढ़ा दी है। ठंडी हवा के चलते बिहार झारखंड के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा और भी ज्यादा गिर सकता है।